ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस कौन होगा टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच का विनर, वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच में क्या होगा, नाइट टू में कौन कौन से बड़े मैचेस और विनर्स देखने को मिलने वाले हैं, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। अब रेसलमेनिया 38 नाइट वन में होने वाले सभी मैचेस की प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रेसलमेनिया 38 नाइट टू का इवेंट 3 अप्रैल 2022 को दिखेगा और इंडिया में ये उसके बाद 4 अप्रैल 2022 को दिखेगा। अभी तक इस नाइट के लिए 6 मैचेस सामने आए हैं, चांसेस 2-3 मैचेस और इस नाइट के लिए कंफर्म होते दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है, उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं मैचेस के बारे में। फर्स्ट मैच हमें सैमी ज़ेन वर्सेस नॉक्सवेल के बीच दिखेगा। ये एनीथिंग गोज मैच है, आई थिंक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है। अब इनके बीच फ्यूड काफ़ी टाइम से WWE दिखा रही है। सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन थे, उससे पहले से इनके बीच कुछ ना कुछ स्मैकडाउन में दिखाया जा रहा है। कुछ वीक पहले सैमी ज़ेन अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी नॉक्सवेल की वजह से हारे हैं। अब ये तो WWE ने नॉक्स के साथ मैच की वजह से ही सैमी ज़ेन को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हरवाया है, क्योंकि नॉक्स ही सैमी ज़ेन के खिलाफ रेसलमेनिया के इस मैच के विनर बनने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि नॉक्सवेल सैमी ज़ेन के खिलाफ मैच में क्या क्या कर पाते हैं। हो सकता है WWE इस मैच में नॉक्सवेल की साइड से कुछ शॉकिंग स्टंट दिखा दे, जैसे कि टेबल से या लैडर से जंप करना। अब वो टाइम बताएगा कि मैच इनके बीच कैसा दिखाई देगा। जीत यहां वैसे नॉक्सविल की होने वाली है। नेक्स्ट मैच हमें नाकामुरा रिक बुक्स वर्सेस उसोस के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखेगा। अब इन दोनों टीम के बीच फ्यूड नई है, वो भी शायद मार्च के स्टार्टिंग में ही शुरू हुई थी, वो भी तब जब वाइकिंग राइडर्स उसोस के खिलाफ री मैच में हार गए थे। इसलिए WWE ने दोनों टीम्स के बीच टैग टीम टाइटल मैच को अनाउंस कर दिया। वहीं रिक बुक्स उसोस के मेंबर जे उसो के खिलाफ सिंगल मैच में उन्हें हरा भी चुके हैं। अब मैच ठीक ठाक दिखेगा इन दोनों टीम्स के बीच। अब सवाल ये कि क्या उसोस अपना टाइटल यहाँ हारेंगे या बचा लेंगे। वैसे चांसेस हैं कि उसोस अपना टाइटल शायद यहाँ बचा सकते हैं। ऐसा करके WWE रोमन रेंस को भी उसोस के सहारे स्मैकडाउन में स्ट्रॉन्ग दिखा सकेगी। नेक्स्ट मैच हमें पैट मैकफी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच दिखेगा। अब इस मैच के लिए मैं तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों यंग सुपरस्टार हैं, तो मैच में कुछ अच्छे और ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकते हैं। ऑस्टिन को तो हम सभी रिंग में देख चुके हैं, पैट मैकफी को देखते हैं कि वो क्या कमाल ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ मैच में कर पाते हैं, क्या वो ऑस्टिन की थ्योरी बिगाड़ पाते हैं या नहीं। मज़ा तब आए जब इस मैच में विंस मैकमैन की एंट्री हो और वो आके ऑस्टिन थ्योरी को हराते हुए दिखा दें, मतलब कि ऑस्टिन थ्योरी की हार की बड़ी वजह बन जाए। ऐसा नहीं हुआ तो जीत फिर इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी की होगी और इससे ज़्यादा मैच में कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मैच हमें फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच दिख सकता है। ये मैच कंफर्म नहीं है, वैसे भी इस मैच के होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि फिन बैलर ने डेमियन प्रीस्ट को हरा के ही US टाइटल जीता है और डेमियन प्रीस्ट को रीमैच अब तक नहीं मिला है, तो चांसेस हैं कि WWE उन्हें उनका रीमैच रेसलमेनिया 38 में दे दे। वैसे भी डेमियन प्रीस्ट जब टाइटल हारे तो उनका एक हील रूप सभी फैंस के सामने आया। हालांकि WWE ने इन दोनों के बीच कुछ खास नहीं दिखा रही है, बट अगर मैच होता भी है तो वो डिसेंट मैच होगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब बात आती है विनर की, तो जीत या फिन बैलर की होगी, वो टाइटल यहां रिटेन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए साशा बैंक्स नायोमी वर्सेस रेहा रिप्ले, लिव मॉर्गन वर्सेस ज़ेलिना वेगा कार्मेला वर्सेस नटालिया शाइना बेज़लर के बीच दिखेगा। अब WWE ने इस मैच में 4 टीम को इसलिए ही शामिल करा है ताकि WWE ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को रेसलमेनिया के शो में दिखा पाए। ऐसा मैच नहीं अनाउंस करती तो इनमें से 4 वुमेन्स रेसलमेनिया में शो नहीं होती, मेरा मतलब है कि 2 टीम शो नहीं हो पाती। अब इन सभी के बीच कुछ ना कुछ दोनों ब्रांड्स पर दिख ही रहा है। वहीं इस मैच के पहले ही WWE ने करेंट चैंपियंस ज़ेलिना वेगा और कार्मेला के बीच खटपट दिखाना शुरू भी कर दी है, जिससे ये फैंस को समझ आ गया है कि ये दोनों रेसलमेनिया में टाइटल हारने वाली हैं। अब बची टीम्स में से कोई नया चैंपियन ही बनेगा। मैच ठीक ठाक देखने की उम्मीद है इन सभी वुमेन्स के बीच। अब विनर की बात आती है तो विनर यहाँ साशा बैंक्स और नायोमी होंगी, वो यहाँ से न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बनती हुई दिखाई दे सकती हैं।
नेक्स्ट मैच हमें एजे स्टाइल वर्सेज एज के बीच सिंगल मैच दिखेगा। अब एज ने जब रेसलमेनिया के लिए ओपन चैलेंज करा तो एजे स्टाइल ने आके इसको एक्सेप्ट करा और फिर एज ने एजे स्टाइल पर बुरी तरह से अटैक करके अपना हील टर्न भी लिया। उसके बाद एजे स्टाइल 2 वीक गायब रहे और फिर जब आए तो मैच के दौरान एज ने फिर से उन पर चेयर से अटैक करा। बस फ्यूड के नाम पर इनके बीच अभी तक यही दिखा है और दोनों साइड से प्रोमो दिखाई दिए हैं। अब मैच इन दोनों के बीच जबरदस्त और धांसू दिखेगा। लास्ट रॉ का एपिसोड बचा है तो हो सकता है कि WWE एजे स्टाइल को मौका दे एज के खिलाफ अटैक करने का। दोनों ही अच्छे और शानदार सुपरस्टार हैं तो मैच कैसा होगा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहां एज की होती दिखाई दे सकती है और चांसेस ऐसे भी हैं कि WWE इस मैच में कोई बड़ी स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है और मेरा मानना है कि शायद ये चेयर मैच हो सकता है। नेक्स्ट मैच हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कॉडी रूट्स के बीच दिख सकता है। सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टार को WWE ने अभी तक रेसलमेनिया 38 के लिए बुक नहीं किया है। रेसलमेनिया से पहले एक और रॉ का एपिसोड बचा है। चांसेस हैं कि उसमें सेथ रॉलिंस के अपोनेंट का नाम अनाउंस हो सकता है जो कि कॉडी रूट्स हो सकते हैं। अब इस बात के रूमर्स बहुत टाइम से आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं WWE सब कुछ उलट पुलट कर दे और सेथ रॉलिंस के अपोनेंट कोई और ही बना दे। अब मुझे लग रहा है कि WWE हो सकता है कि आखिरी रॉ में भी सेथ रॉलिंस के अपोनेंट को अनाउंस ना करे। सेथ रॉलिंस के अपोनेंट को रेसलमेनिया में ही पता चले जब सेथ रॉलिंस रिंग में आके मैच लड़ने की जिद करेंगे तभी यहाँ कॉडी रूट्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसा मैच दिखा तो मैच बहुत सही और जबरदस्त होगा जिसको देखने में वाकई मजा आ जाएगा। अब बात आती है विनर की, तो जीत या फिर कॉडी रूट्स की होगी। वो AEW से WWE में आने के बाद अपना पहला मैच रेसलमेनिया जैसी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर जीत लेंगे। नेक्स्ट मैच हमें यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन मैच दिखेगा जो कि नाइट 2 का मेन इवेंट मैच होने वाला है। अब एक्चुअल में इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड SummerSlam 2021 से दिखाई दे रही है जब ब्रॉक लेसनर ने वापसी करके रोमन रेंस के अगेंस्ट कन्फ्रंट करा था। फिर सऊदी अरेबिया में इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच दिखा और अब फिर से WWE ने एक बड़ा मैच इनके बीच अनाउंस करा हुआ है। दोनों ही बड़े चैंपियन हैं तो देखना होगा कौन यहाँ सुपीरियर साबित होता है एक दूसरे के खिलाफ। मैच अच्छा और इंटेंस दिखेगा, बस WWE प्रॉपर टाइम इस मैच को दे। दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर में जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मैच में टाइटल यूनिफिकेशन का है जिसका मतलब दो टाइटल को मिला के एक कर देना है। वो देखना होगा वो कैसे होता है। अब बात आती है विनर की, तो जीत यहाँ रोमन रेंस की लग रही है। वो यहाँ डबल चैंपियन या यूनिफाइड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब रोमन रेंस की ये जीत डायरेक्ट नहीं होगी तो देखना होगा कौन उनकी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। वहीं देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि पॉल हेमन का यहाँ क्या रोल होता है। क्या पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के खिलाफ कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। तो फ्रेंड ये थी मेरी रेसलमेनिया 38 नाइट 2 की प्रेडिक्शन। सब कुछ ऐसा ही रहा तो ये होंगे कुछ विनर्स और न्यू चैंपियंस। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वैसे नाइट 2 की आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।